आज हर देश भर में बीजेपी और कांग्रेस मुक्त के नाम से नारे लगाए जा रहे हैं, तो उसके बाद कोई अल्टरनेटिव पार्टी लोगों को नजर नहीं आ रही, तो उसके लिए आप क्या ऑप्शन बताएंगे? पहले अल्टरनेटिव तहरीक होनी चाहिए। अल्टरनेटिव तहरीक होती है तो अल्टरनेटिव पार्टी बनती है। तो हमारे लोगों को पहले अल्टरनेटिव तहरीक यानी आंदोलन खड़ा करना चाहिए। आंदोलन खड़ा होता है, जैसे कांग्रेस आंदोलन था, कोई पार्टी तो थी नहीं, आज़ादी का कांग्रेस जो है एक आंदोलन था, फिर उससे पार्टी बनी और वो आसानी से उन्होंने देश पर इतने साल राज किया। तो तहरीक खड़ा करना जरूरी है, आंदोलन खड़ा करना जरूरी है, पार्टी तो बन जाएगी। नहीं, अभी जैसे अंग्रेजों ने आपके ऊपर, बाम साहब के ऊपर भी जो है एक बड़े मीडिया वेबसाइट पर जो है फेक प्रोपोगेंडा स्प्रेड करने का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो दो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अंग्रेज विदेशी है उसी तरह से ब्राह्मण भी विदेशी है। ब्राह्मण अपने को भारत के मूल निवासी मानते हैं, जो चीज़ मैं मानता नहीं हूँ, है ही नहीं, वो भी विदेशी है, डीएनए के अनुसार प्रूव हो गया, विज्ञान ने प्रूव कर दिया, जितने अंग्रेज विदेशी थे उतने ब्राह्मण विदेशी है, मैं कहाँ विरोध कर रहा हूँ? तो विज्ञान ने किया, विज्ञान राजनीति थोड़ी करता है, विज्ञान तो कंक्लूजन करता है, रिसर्च करता है, विज्ञान ने बताया ब्राह्मण विदेशी है, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। नहीं, अभी जिस तरह आपके स्पीच में आपने ये कहा कि हिंदुस्तान के चारों कॉन्स्टिट्यूशन जो चार पिलर हैं, अभी चारों पिलर पे ब्राह्मणवाद का कब्जा हो चुका है, तो अभी आप क्या समझते हैं कि कब्जों को निकालने के लिए और कितना टाइम लगेगा? एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग अगर इकट्ठा होना शुरू करें तो 10 साल के अंदर हो सकता है, और सबसे पहले अगर मुस्लिम लोग इरादा कर लें तो जल्दी हो सकता है। एक अभी मुस्लिम भी बोलते हैं कि एक होना है और एससी भी बोलते हैं एक होना है, एससी एसटी ने बीएसपी बनाई, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि वो बीएसपी ब्राह्मण समाजवादी ब्राह्मण पार्टी हो चुकी है, तो इसका आप क्या उस पर बोल रहे हैं? नहीं, तो यूपी वालों ने विकल्प खड़ा करना शुरू कर दिया। आपको पता है 9 दिसंबर को 500,000 से ज्यादा बड़ी रैली हो गई एससी एसटी ओबीसी की, पता है आपको? जी। हम लोगों ने की थी। मायावती अभी डरी हुई है, मायावती को किसी का डर नहीं लगता, मायावती को हमका डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमने ये चुनौती दिया है, आती नहीं है, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये हम नहीं मानते, हम अपने महापुरुषों को मानते हैं, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को मानते हैं, उसको लेकर चलेंगे। जिस तरह अभी मुस्लिम्स का एक ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को माना जाता है, तो ऐसा अभी एससी एसटी में और ओबीसी में बाम साहब को माना जाता है, लेकिन ये दोनों का एकजुट होने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म आप समझते हैं कि बेहतर होगा मुस्लिम और एससी के लिए? नहीं, हम लोग तो नॉर्थ इंडिया में प्रपोजल लेकर गए थे एडीपीआई के लोगों के पास, उन्होंने कहा कि हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी। नहीं लड़ेंगे तो फिर प्रपोजल का कोई मतलब बनता नहीं। नहीं, खुद ही लड़ना नहीं चाहते, पार्टी बना लिए लड़ना नहीं चाहते। पॉपुलर फ्रंट जो एक तो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि पॉलिटिक्स में उतरने के लिए? देखो, मैं तो बाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा का राष्ट्रीय प्रमुख हूँ, तो मैं कोई राजनीतिक दल नहीं चला रहा, मैं एक अवेयरनेस पैदा कर रहा हूँ कि हमारा विकल्प होना चाहिए, तो हमारा विकल्प खड़ा करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। 2019 के चुनाव में इसका कुछ असर दिखाई देगा आने वाले समय में, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, लोगों में एक बहुत बड़ा डर है बीजेपी का, जिस तरह मॉब लिंचिंग सारी चीज़ें की जा रही है, तो लोग ये समझते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से, जीएसटी से जो नुकसान हुआ है वो कांग्रेस को लाने के बाद नुकसान की भरपाई होगी, तो आपका क्या कहना है इसमें? जीएसटी का नुकसान और जीएसटी का नुकसान ना होना, 83 करोड़ लोग जिनको दो टाइम खाने की रोटी नहीं मिल रही है, वो लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के शिकार है, वो तो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे होते तो चार टाइम की रोटी मिलती। भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो दिन में साले चार चार पांच पांच बार खाते हैं, हमारे जो भूखमरी वाले लोग हैं उनको दो टाइम की रोटी नहीं मिल रही है, तो भ्रष्टाचार तो 83 करोड़ लोगों की समस्या ही नहीं है भ्रष्टाचार। दूसरी बात, राफेल आता है नहीं आता है साले, गरीब की कोई समस्या है नहीं, हमारे पास कोई बिजनेस ही नहीं साला, जीएसटी का कोई हमारे लिए मतलब ही नहीं है, नहीं समझे? नहीं, बिल्कुल, जीएसटी तो उन लोगों के लिए मतलब है जिनके पास बिजनेस है, हमारे 83 करोड़ लोगों को दो टाइम की रोटी नहीं मिल रही, तो जीएसटी का कोई मतलब है उनके लिए? तो आप जो सोच रहे हैं ऐसे लोग हैं जिनका जीएसटी से कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका इस देश में कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों के जो हाशिए पर ढकेले हुए लोग हैं, उन लोगों के इश्यूज को हम उठा रहे हैं।
लेकिन आपने ये कहा कि कांग्रेस मुसलमानों का नहीं सोचती, तो रिसेंटली लोकसभा बिल में, लोकसभा में, राज्यसभा में कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक बिल के ऊपर आवाज़ उठाया है, तो वहाँ से साफ दिखता है कि कांग्रेस भी मुसलमानों के बारे में सोच रही है और काम कर रही है। अभी मध्य प्रदेश में कितने टिकट दिया मुसलमानों को है बता? 11% लोग हैं मध्य प्रदेश में, 2 टिकट दिए, उसमें एक हार गया एक जीत गया। 11% को 11% मिलना चाहिए था। आवाज उठाया, किसने उठाया? जो मुसलमान लोग हैं एमपी, जो एमपी है मुसलमानों के, उनको तो बोलने नहीं देती। गुलाम नबी आजाद का नाम सुना जी? उसने मुसलमानों का कोई मुद्दे पर बात किया कभी? सुना कभी गुलाम नबी आजाद ने मुसलमानों पर होने वाले आर्थिक हानि जो है, गरीबी है, बेरोजगारी है, मुसलमानों को प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं दी जाती, कभी गुलाम नबी आजाद ने उठाया मुद्दा? बोलने नहीं देते। अगर मान लो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन अगर हो तो 86 मेंबर पार्लियामेंट होने चाहिए, अगर कांग्रेस प्रो मुस्लिम है तो 86 सीटें चुनकर आनी चाहिए। तो कांग्रेस तो ये कहती है कि मुसलमानों को ज्यादा सीटें देने से तो हिंदू नाराज हो जाएगा, हिंदू नाराज हो जाएगा, अरे हम तो चुनाव हार जाएंगे, तो टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपको पता है गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा मालूम है? गुलाम नबी आजाद ने ये कहा पत्रकारों को कि पहले कांग्रेस के लोग मुझे चुनाव में कैंपेन के लिए बुलाते थे, अब कहते हैं आपका भाषण करने से हिंदू नाराज हो जाएगा और हमारा वोट कट जाएगा, आप मत आओ। गुलाम नबी आजाद को पूछो ना थोड़ा बहुत कि तुम्हारा दर्द क्या है। अभी आखिरी सवाल यह है कि जो तेलंगाना में टीआरएस पार्टी ने एक आवाज उठाई है फेडरल फ्रंट की, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस जो फेडरल फ्रंट चला रहे हैं, तो उनकी और आपकी सोच एक जैसी मिलती है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जो जैसा असदुद्दीन अवैसी और केसीआर साहब ने मिलकर हवा चलाई है पूरे नेशन में। तेलंगाना में हम लोग अपने बलबूते पर लड़ाई लड़ रहे हैं, टीआरएस और असदुद्दीन अवैसी जो है जो कुछ भी बातें कर रहे हैं वो तो प्रो बीजेपी की बातें हैं, वो तो अंदर खाते मिले हुए हैं। बल्कि टीआरएस ने 6 महीना पहले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, अगर नरेंद्र मोदी ने अंदरूनी सपोर्ट नहीं किया होता तो उसका तो चुनाव तक नहीं होता, चुनाव तक नहीं होता विधानसभा का, लोकसभा के साथ होता। चुनाव आयोग का जो चेयरमैन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अस्कर नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया होता, बोला भी नहीं होता, चुनाव तक नहीं होता, वो तो बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन से उसने 6 महीना पहले चुनाव घोषित करवाया। तो अभी मैं आपकी एक और एक बहुत बड़ी नेशन में मुहिम चल रही है जो ईवीएम के रिलेटेड है, तो वो मुहिम के बारे में आप थोड़ा बता दें तो बेहतर। सबसे अहम बात तो ये है कि हम लोग मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद खड़ा करने के अभियान पर चले हुए लोग हैं। ईवीएम मजलूम और मजलूम के विरोध में है। मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, वो ये है ईवीएम प्रो ब्राह्मण है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल 2014 में ईवीएम मशीन का फायदा ममता बनर्जी को हुआ, जयललिता को हुआ, बीजेपी को हुआ, है? ये जो ब्राह्मणों की पार्टियां हैं झारखंड में आदिवासी की पार्टी उसको नुकसान हुआ, डीएम के जो वहां की ओबीसी की पार्टी है करुणानिधि की उसको नुकसान हुआ, मायावती को नुकसान हुआ, समाजवादी पार्टी के ओबीसी को नुकसान हुआ, लालू प्रसाद यादव के लोगों को नुकसान हुआ। तो ये एससी एसटी ओबीसी के विरोध में ईवीएम काम कर रहा है। ब्राह्मणों की पार्टियों को ज़्यादा सीटें मिली और एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सीटें कम करने में ईवीएम ने रोल प्ले किया, जो डॉक्यूमेंट्री बता रहा हूँ मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गया, मैंने सबूत दिया और मेरे सबूतों के आधार पर 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में डिसीजन दिया कि 2019 का जो चुनाव है वो 100% ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगकर ही होगा, वो मेरे जजमेंट पर। अभी देश भर में 100% जगह पेपर ट्रेल लग रहा है, तो वो अमन मेजराम की वजह से लग रहा है, एक बात। तो दूसरा, अभी मैं पेपर ट्रेल के भी विरोध में गया कि पेपर ट्रेल से जो कागज बाहर निकलता है उस कागज की गिनती होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की गिनती में तो घोटाला होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है घोटाला उसमें होता है, पेपर ट्रेल मशीन से जो कागज निकलता है वो तो घोटाला पकड़ता है।
तो जो घोटाला पकड़ने वाली मशीन है उससे निकलने वाला जो कागज है उसकी गिनती होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को गिनती करने का आदेश दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि आपने जो आदेश दिया 8 अक्टूबर 2013 को उस पर अमल करवाओ। अभी मेरी केस है जी। अभी आखिरी सवाल, जो परिवर्तन यात्रा आप जो चला रहे हैं, अभी तक आपने कहां कहां परिवर्तन यात्रा चलाई है और कितना सक्सेस रहे हैं, और आगे आप जो नो बीजेपी नो कांग्रेस का नारा लेकर चल रहे हैं, आगे आपको कितना लगता है कि कामयाब रहे? नॉर्थ इंडिया में हमने चलाया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चलाया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चलाया, मध्य भारत में चलाया, अभी साउथ इंडिया बाकी है परिवर्तन यात्रा के लिए। तो ये 3 महीने परिवर्तन यात्रा साउथ इंडिया में चलेगी, खास तौर पर कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु और केरला, 5 स्टेट में चलेगा। और दूसरा, जहाँ तक नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस का हमारा एजेंडा है, इस पर हम लोग आने वाले समय में बड़ा काम करेंगे। ये परिवर्तन यात्रा है, एक देश में विकल्प खड़ा करने के लिए लगातार प्रयास है। एक बात तो हमारे पहला प्रयास तहरीक खड़ा करने का, आंदोलन खड़ा करने का। आंदोलन खड़ा होगा तो पॉलिटिकल पार्टी 24 घंटे में खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस तो तहरीक थी, तो कोई पार्टी थोड़ी थी, और फिर तहरीक की पार्टी बन गई, तो उसको पार्टी को लोगों ने आज़ादी में सत्ताधारी बनाया। तो तहरीक खड़ा करने पर हमारा ज़्यादा जोर है, पार्टी तो ऐसी खड़ी हो जाएगी।